नाउन क्या होता है, जैसे एन ओ यू एन, नाउन। नाउन क्या होता है हमारा, ये संज्ञा होता है। क्या होता है? संज्ञा। नाउन किसका होता है? संज्ञा। आज मैं नाउन के बारे में आप लोगों को बताने, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है नाउन, नाउन की डिफिनेशन क्या होती है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो आज हम इसका डिफिनेशन ना बता के कुछ अलग बताना चाहेंगे। जैसे अब नाउन क्या होता है, नाउन सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन में क्या क्या आता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। और ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। अब हमने पढ़ा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में हमारा नाउन का कार्य क्या होता है, वो नाउन हमें बताता है कि ये इफेक्ट किस पे करता है। जैसे सब्जेक्ट यानी जो कर्ता होता है, कर्ता आप लोग जानते ही हैं, कर्ता होता है क्या? सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट होता है जिसे कर्म, जिसके ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। जैसे द व्यू, द प्योर रंग, द बेल, द प्योर रंग, द बेल हमारा हो गया। अब क्या है? प्यून। ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, यानी ये क्या है? करता है। क्या है? अब ये कार्य क्या कर रहा है? रंग ऑन द बेल। अब ये बजाने का कार्य कर रहा है, यानी बेल पे इफेक्ट पड़ रहा है इनका। इनका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बेल पे पड़ रहा है। अब बेल क्या है? हमारा कर्म हो गया। क्या हो गया? अब ये हमारा लंग, अब ये लंग ये बजाने का जो कार्य कर रहा है, ये तो हमारा वर्ब में आएगा। किस में आएगा? वर्ब में। लेकिन अभी तो हम पढ़ रहे हैं नाउन। खैर हम अभी इसके बारे में बताएंगे। अब बेल, बेल हो गया हमारा कर्म यानी ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बेल पे। आज हमने ये और नाउन को बताते हैं। नाउन का सबसे छोटा डिफिनेशन होता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। हम इससे पहले बताते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कितने होते हैं? पहला क्या होता है? A noun is the name of person, place, animal, thing. पहला हमारा क्या हो जाता है? Person. Place. दूसरा हमारा क्या हो जाता है? Place. Animal. और thing. हमारा ये आता है नाउन में। अब पर्सन, पर्सन क्या होता है? पर्सन यानी व्यक्ति। क्या होता है? व्यक्ति। प्लेस यानी स्थान। क्या होता है? स्थान। एनिमल यानी जानवर। क्या होते हैं? जानवर। थिंग्स यानी वस्तुओं के नेम, यानी हमारे थिंग्स में क्या होते हैं? वस्तु आते हैं। अब पर्सन, पर्सन कोई जरूरी ना हो कि किसी व्यक्ति को ही हम पर्सन कहें। कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति ही, कोई व्यक्ति हो तो वो पर्सन है। जैसे अब मान लीजिए किसी का नाम हो गया, ये मेरा ही नाम ले लीजिए, निधि। क्या हो गया? निधि। निधि क्या है? पर्सन है। क्या है? पर्सन है। अब कोई जरूरी नहीं है कि मतलब किसी का नाम है या किसी व्यक्ति का, हम नाम से ही उसको हम पर्सन बना सकते हैं। अब मान लीजिए पर्सन हो गया, आप कह दे गर्ल, गर्ल। अब गर्ल में, गर्ल यानी लड़की। अब लड़की यानी अब वो तो उसमें कई लड़कियां हो सकती हैं, हर लड़की का नाम तो हो नहीं सकता। ये गर्ल, गर्ल भी किस में आएंगे? पर्सन में आएंगे। और बॉयज भी पर्सन में आएंगे, बॉयज भी पर्सन में आएंगे। और प्लेस में, प्लेस में कोई जरूरी नहीं है कि किसी स्थान का ही नाम आए, किसी स्थान का नाम ही आए। अब मान लीजिए हमने कह दिया यूपी। क्या? यूपी।
इंडिया। अब इंडिया ये भी एक प्लेस ही है, स्थान है या क्या है, प्लेस है इंडिया। और हमने दे दिया हरियाणा, हरियाणा ये हमारा क्या है, प्लेस। अब हम आएंगे एनिमल, इसमें एनिमल, एनिमल इसमें जानवरों के रंग, एनिमल्स में जानवर होते हैं एनिमल। अब हमने कह दिया बूझो, क्या बूझो, बूझो एक क्या है, जानवर है, एक जानवर का नाम है बूझो। और क्योंकि देखिए नाम तो आएगा, क्योंकि एनिमल, एनिमल क्या है, एक जानवर होता है। अब जानवर में बूझो, बूझो तो किसी का नाम है, किसी जानवर का तो नाम ही होगा, इसलिए एनिमल में। अब एनिमल में मैंने कह दिया डॉग, डॉग कैट, ये हमारे क्या है, एनिमल है, ये हमारे जानवर है। थिंग्स, थिंग्स क्या होता है, वस्तु होता है, थिंग्स क्या होता है, वस्तु। जैसे आप लोग कॉपी पेन से पढ़ते हैं तो पेन, पेन क्या है हमारा, एक थिंग्स है, एक वस्तु है। और जैसे हमने कह दिया कि मार्कर, मार्कर भी एक थिंग्स ही है, वस्तु का नाम है, क्या है, थिंग्स। मार्कर हो गया। फिर हम जाते हैं Thank you.